फ्रेंड्स, शिवास किचन में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन हांडी। ये बहुत ही टेस्टी डिश है और बनने में बहुत ही आसान। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। 1/2 kg चिकन, 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं जो मैंने चॉप कर लिए हैं, 1 मीडियम साइज की अनियन है जिसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है, ये 1.5 टेबल स्पून ही अदरक और लहसुन का पेस्ट है, 10 लहसुन की कलियां जो मैंने फाइनली चॉप करके रखी हैं, ये साबुत धनिया है जिसे मैंने कूट लिया है, ये थोड़ा मोटा है और थोड़ा सा बारीक सा, इसे कूट लेना है, ज्यादा बारीक नहीं करना है। ये मैंने 2 टेबल स्पून दही लिया है, 3 टेबल स्पून इसमें क्रीम जाएगी, 3 से 4 हरी मिर्च और कटा हुआ हरा धनिया, सूखे मसालों में इसमें लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही जीरा, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून हल्दी, गरम मसाला 1 टीस्पून जाएगा। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है घी। ये घी से बहुत ही टेस्टी डिश बनती है और अगर आप चाहें तो इसमें ऑयल का यूज कर सकते हैं। आइए मैं अब अपनी अनियन को गोल्डन फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी अनियन ब्राउन हो गई है। अब इसी घी में हम अपने लहसुन को डालेंगे जो मैंने फाइनली चॉप करके रखा था। इसे हमें घी में डाल के अच्छे से भूनना है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि लहसुन इसमें अच्छे से भुने। अगर लहसुन नहीं भुना तो इसकी स्मेल पूरी ग्रेवी में आएगी, जो हम चिकन बना रहे हैं उसमें इसकी स्मेल आती रहेगी, इसलिए लो फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लें। फ्रेंड्स देखिए हमारा लहसुन अच्छे से भुन गया है, ये पिंक सा हो गया है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। इसमें मैंने हरी मिर्च भी ऐड की है और अब इसमें सूखे मसाले डालते हैं, ये लाल मिर्च, हल्दी और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हम ब्राउन अनियन डालेंगे। देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा जो हमने लिया था वो पूरा जीरा हम इसमें डाल देते हैं और साथ ही में इसमें हम जो हमने कुटा धनिया लिया था उसे मिक्स करते हैं। थोड़ा सा धनिया रखेंगे जो बाद में हम डालेंगे और इसे अच्छे से चला के मिक्स कर लें और 1 मिनट तक हम इसे भूनने के लिए रखते हैं। इसे हमने 1 मिनट तक पकाया है। अब इसमें हम चिकन को डालेंगे। ये मैं इसमें चिकन पीसेस ऐड कर देती हूँ। इसे 1 मिनट तक भून लें। आप इसे जितने अच्छे से भून देंगे ये ग्रेवी उतनी ही टेस्टी बनेगी। देखिए हमने इसे अच्छे से भून लिया है और चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया, ये वाइट दिख रहा है। अब इसे हम 3 से 4 मिनट तक कवर करके पकाएंगे स्लो फ्लेम पे। अब हम इसे 3 से 4 मिनट बाद देखते हैं ये कैसा हुआ है।
फिर बाकी मसाले बाद में ऐड करेंगे। ग्रेवी को बनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए, देखें ये कैसी हुई। देखिए ये बहुत अच्छे से पक गई है। मैंने इसमें जरा सा भी पानी नहीं डाला था, ये अपने ही जूसेस में बना है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। इसे दही डाल के फिर हमें भूनना है। अब इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट भूनने के लिए। देखिए मैंने इसे दही में डाल के अच्छे से भून लिया है, इसके ऊपर ऑयल आ गया है। अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे और जो धनिया मैंने इसमें बचा लिया था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे, कुटा हुआ धनिया। और साथ ही में इसमें मैं क्रीम ऐड करूंगी, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स आपको मेरी डिशेस कैसी लग रही हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आप तक मेरी डिशेस सबसे पहले पहुंच जाएं। देखिए अभी इसे हम आधा गरम मसाला डाल देंगे इसमें और आधा डिश में निकालने के बाद डालेंगे। और साथ ही में हरा धनिया जो मैंने काट के रखा था उसे डाल देते हैं। देखिए कितनी अच्छी डिश दिख रही है। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए इसे कवर कर देती हूँ जिससे इसके ऊपर तरी आ जाए, उसके बाद मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। और मैं अपनी गैस को भी बंद कर दिया मैंने, अब डिश आउट करके मैं आपको इसे दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स हमारी डिश रेडी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसे बनाना ना भूलें, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये डिश आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाएं जिससे कि मेरी सारी डिशेस आप तक पहुँचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।